वेलकम ऑल माय लवली स्टूडेंट्स पिले माने हम लास्ट वीडियो रे चलित वर्ष पाई प्रकाशित ओस्ता टेस्ट पेपर रो इंग्लिश रो प्रैक्टिस सेट 1 रो 1 नंबर रु 35 नंबर जाय डिस्कशन करथिले। आज ही होची एहार पार्ट 2 आमे 36 नंबर रु 50 नंबर पर्यंत डिस्कशन करिवा। हां पिले माने जो माने मो चैनल रे नुवा मात्र ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो एहा को टिके सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को टिके लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम संग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे आसो आजरो वीडियो स्टार्ट करिवा ओस्ता टेस्ट पेपर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 36। कटक इज ए हिस्टोरिकल टाउन इट इज ऑन द महानदी। इफ यू जॉइन द सेंटेंसेस मेकिंग 1 ए रिलेटिव क्लॉज द आंसर इज डैश। तबे पिले माने लक्ष्य करो ए दिटा सेंटेंस को हमें गोटे रिलेटिव क्लॉज लगे जोड़ीबा एवं यह हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आम जाने यह लेटर टू गॉड रे रही। तेज लक्ष्य करवा हमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगे लक्ष्य कर ये कटक अच्छी इट अच्छी तमें कटक प्रोनाउन ये इट अच्छी आम जाने यह गोटे नॉन लिविंग थिंग्स बा ऑब्जेक्ट तेणु आ जगह आम रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच लगे तेणु प्रथम लगे कटक कटक गोटे कमा यूज करवा तापरे इट पाखरे आम लगे व्हिच इज ऑन द महानदी ऑन द महानदी महानदी एवं गोटे कमा यूज करवा तापरे एठू जहाँ अच्छे लिखा इज ए हिस्टोरिकल टाउन इज ए हिस्टोरिकल टाउन पहले समस्ते बुझी पार लो तनु राइट आंसर कौन है ना कटक व्हिच इज ऑन द महानदी इज ए हिस्टोरिकल टाउन देखिबा के ऑप्शन रे अच्छी लक्ष्य कर पिल ऑप्शन सी कटक व्हिच इज ऑन द महानदी इज ए हिस्टोरिकल टाउन यह हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एवं आमर दुईटी कमा यूज करछे सो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। नंबर 37 मिस्टर जिमी वाज ए डैश मैन ना मिस्टर जिमी वाज ए मेथोडिकल मैन सो द राइट आंसर इज मेथोडिकल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 फाइंड आउट द सिंपल सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिले चारोटी सेंटेंस देसी आमे एथरु बाछिबा केउटी सिंपल सेंटेंस आमे जानिछे जेउ सेंटेंस रे गुटीए सब्जेक्ट ओ गुटीए फाइनाइट वर्ब थिबो ताकु आमे सिंपल सेंटेंस कहिबा। देखिबा फर्स्ट ऑप्शन देछि वर्क फर्स्ट पिले एथि वर्क होछि फाइनाइट वर्ब एथि सब्जेक्ट नाही एथि सब्जेक्ट यू उही अछि काहेकि नेटा इंपेरेटिव सेंटेंस बुझेला तेणु यह हूँ गोटे सिंपल सेंटेंस सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर ऑप्शन को जीवा नेक्स्ट ऑप्शन को गले वर्क फास्ट और यू विल बी लेट एटी और लागिसि एवं एटी दुईटी फाइनाइट वर्ब रहिछि तेणु यह हम कौन ना कंपाउंड सेंटेंस एवं थर्ड ऑप्शन को जीवा इफ वी वर्क फास्ट यू विल रीच देयर अर्लियर यह हम पले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑप्शन डी वर्क फास्ट एंड रीच देयर इन टाइम यह मध्य हम कंपाउंड सेंटेंस तेणु ऑप्शन ए होची सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 39 ए पेयर ऑफ शूज डैश बीन केप्ट अंडर द चेयर पिले जदि केवल सुस थांता तबे एहा प्लुराल नाउन होई थांता प्लुराल वर्ब लागि थांता किंतु मने रखो ए पेयर ऑफ लागि छि माने एहा सिंगुलर नाउन हबो सिंगुलर नाउन पई सिंगुलर वर्ब यूज करबा तेन उठी सिंगुलर वर्ब किए ना हैज सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 अमित एंजॉयस डैश टू म्यूजिक ऑन एफएम द वर्क इज इन प्रोग्रेसन सो प्रोग्रेसन थिला बेले हमर एठी वर्ब रे आईएनजी लागिवो सो द राइट आंसर इज लिसनिंग सो ऑप्शन बी लिसनिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 एयर कंसिस्ट डैश डिफरेंट गैसेस ना एयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस सो ऑप्शन सी ऑफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 विल यू गो देयर आई होप सो हियर द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स पिले एठार होप र अर्थ होची कोन ना एक्सपेक्ट आशा करिबा सो द राइट आंसर इज एक्सपेक्ट ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 लता हैज सच ए वंडरफुल वॉइस इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज डैश पिले एई डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करिबा आमे जानिछे व्हेन वी चेंज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी यूज व्हाट और हाउ एठे हमें कौन लगेबा लक्ष्य करो
व्हाट कौटे लगे ना जिते बड़े व्हाट पर आमर कौन आसो ना गोटे नाउन फ्रेज आसो हाउ कौटे लगे ना हाउ पर आम आडजेक्टिव फ्रेज आसो कि आडभव फ्रेज आसो देख पे वंडरफुल भयस पूर्व ए लगी तेणु यह हूँ गोटे नाउन फ्रेज तेणु आमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स टी कौटू आरंभ हम ना व्हाट रु आरंभ हम तेणु आंसर कह हम लक्ष्य कर पे मानने ना व्हाट ए वंडरफुल भयस लता हाज जदि ए नथांता एठी आमे हाउ लगाई थांते जेहेतु ए अच्छी तेणु यह गोटे नाउन फ्रेज तेणु ये लगे व्हाट ए वंडरफुल भयस लता हाज देखिबा केउ ऑप्शन रे आमर आंसर टी अच्छे ऑप्शन ए को लक्ष्य कर व्हाट ए वंडरफुल भयस लता हाज सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 मदर हाज मेड द करी वाटरी इट्स पैटर्न इज पिले एही सिंपल सेंटेंस रो पैटर्न कौन देखिबा तबे लक्ष्य कर मदर हाज मेड द करी वाटरी एठै मदर हैला सब्जेक्ट हाज मेड हैला वर्ब दी करी हैला ऑब्जेक्ट पिले वाटरी कौन हबो ऑब्जेक्ट हबो ना कॉम्प्लीमेंट हबो देख वाटरी कहा को बुझौछ ना करी की बुझौछ तनो ऑब्जेक्ट जहा ओठी वाटरी से तनो एटा ऑब्जेक्ट नहि की कह हबो ना कॉम्प्लीमेंट हबो सो द राइट आंसर इज पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर 48 पीपल वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेस टू डैश इविल स्पिरिट्स ना ड्राइव अवे सो द राइट आंसर इज ड्राइव अवे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 टेक दैट टेबल अवे इट इज डैश्ड अवे इट इज इन द वे सो ऑप्शन ए इन इज द राइट आंसर नंबर 50 डिड यू हियर द डैश क्राई प्ले क्राई पूर्व एठी हमरा एडजेक्टिव लागबो एठी एडजेक्टिव के ना पीटीएस सो द राइट आंसर इज बी पीटीएस पिले माने वर्तमान सेही ओस्टार रो प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करबा 1 सॉरी गला 2 डिस्कशन करबा गांधी एज ए स्टूडेंट हैड टू जॉइन डैश आट 4 o'clock इन द आफ्टरनून गांधी जेते बेले स्टूडेंट थिले सेते बेले गोटे दिन कर घटना जे 4टा समय रे आफ्टरनून 4टा बेले ताकु केउ क्लास रे जॉइन करिवार थिला ना गांधी एज ए स्टूडेंट हैड टू जॉइन जिमनास्टिक्स आट 4 o'clock इन द आफ्टरनून द राइट आंसर इज जिमनास्टिक्स ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स Whose glowing colors are mentioned here? पिले he made their glowing colors. इठे कहाँ रो glowing colors कथा कवि C.F. Alexander वर्णना करिछंती ना flowers फूलों मानो करो. So option A flowers is the right answer. Question number 3. The reaper was singing a melancholy strain. The underlined word means पिले melancholy strain अर्थ sad song. Option B हेउची right answer. By profession, Sergei was dash. पिले Sergei वृत्ति रे कौन थिले? ना he was a lawyer. So option A lawyer हेउची right answer. Question number 5. Several friends of the postmaster were obliged to give something for an act of charity. So option C charity is the right answer. Question number 6. Hornbill festival is observed in dash. पिले Hornbill festival क्यों राज्य रे पालन करा जे नागालैंड सो ऑप्शन ए नागालैंड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 ग्रैंडफादर अराइविंग द जू फाउंड दैट द सुपरिटेंडेंट डैश जते बेले ग्रैंडफादर जू रे पहुंचले से सुनिबा को मिलला बा देखिबा को पाइले जे सुपरिटेंडेंट वाज नॉट देयर सुपरिटेंडेंट नथिले काहे कि नथिले ना ही हैड गॉन होम इयरली से ठीक शीघ्र तांको घर को पळे जायतिले सो द राइट आंसर इज हैड गॉन होम इयरली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 हार्डली ए मंथ पासेस इन एनी ऑफ द 7 स्टेट्स विदाउट ए फेस्टिवल और टू अर्थात एमिति क्वचित मास अच्छी जो मास रे गोटे किंबा दीटा फेस्टिवल तांकर से 7 स्टेट रे पड़िबो नाही निश्चिंत भाव रे प्रत्येक मास रे गोटे किंबा दीटा फेस्टिवल पड़िबाटा सत तेणु एठी राइट आंसर हो ए फेस्टिवल और टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आई रियलाइज ही इज नो लंगर माइन
who said this ekotha kie kahitile na ekotha grandfather kahitile kahaku na keeper ku kahitile so the right answer is grandfather option a is the right answer question number 10 the solitary reaper is written by solitary reaper ro kavi hochunti william wordsworth so option c is the right answer question number 11 the advocate had his wood chopper for dash आडभोकेट उड चपर को केउ काम रे लगाई दिले ना जते बेले से घर छाड़ी के पळेले ना पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर कुट इज एन इंपोर्टेंट ओकेजन फॉर द पीपल ऑफ डैश बेले चैप्टर कुट केउ राज्यर गुटे इंपोर्टेंट फेस्टिवल आमे जानिछे पिले मिजोराम रे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होची चाप्चरकुट सो ऑप्शन सी मिजोराम इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 गांधी वाज असेंबल्ड हिमसेल्फ एंड डैश ऑफ हिज नेकलेट रीपेंटेड सो ऑप्शन ए रीपेंटेड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 हम्बुलले इन द पोएम द सॉलिटरी रिपर मींस सॉलिटरी रिपर गुटे वर्ड हम्बुल ले अछि ए हम्बुल ले रो अर्थ होची ऑर्डिनरी सॉन्ग सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 ऑन काउंटिंग द मनी लेंचो डैश ऑन काउंटिंग द मनी जते बेले पैसा लेंचो गणिला से रागी गला ही बिकेम एंग्री और गॉट एंग्री सो ऑप्शन सी गॉट एंग्री इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 द स्काई लुक्स ब्लूइश रेड ड्यूरिंग डैश बोले आकाश ब्लूइश रेड देखा जाए केते बेले देखा जाए ना ड्यूरिंग द सनसेट सो ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर